मित्रों, भी आपको बताया जा रहा था युवा प्रकोष्ठ कैसे कहां से कहां तक पहुंचा। देखिए, इस प्रकृति का नियम है, हम जो भी बोते हैं वही काटते हैं। बोते समय आदमी नहीं सोचता है कि हम क्या बो रहे हैं, लेकिन जब काटने का अवसर आता है तो वो हल्ला करता है, साहब मेरे जीवन में क्या हो रहा है। इस संसार का एक नियम है कि आप जो भी चीज करते हो उस सब का रिटर्न मिलता है। रिटर्न किस रूप में मिलता है? आप कुआं देखे हैं, गुरुजी लिखते हैं एक जगह कि कुएं में जाके जो आप आवाज लगाते हो वही आवाज वापस आता है। जैसे आप कुआं में जाके कहो टाइम नहीं है, तो क्या आवाज निकलेगा? टाइम नहीं है। हम कंगाल हैं, क्या निकलेगा? हम कंगाल। भगवान भी क्या है? कुआं है। जो आवाज डालिएगा वही आवाज निकले। कई बार लोग सोचता है कि जो हम विचार करते हैं वो भी जाता है और वो भी रिटर्न होके आता है। जैसे आप रबर का एक गेंद लीजिए और दीवार पर पूरी ताकत से लगाइए, जितनी ताकत है आपके पास, आपने जितनी ताकत से दीवार पर उस बॉल को फेंका है उससे दुगुनी रफ्तार में रिटर्न होके, ये नियम है। कभी अमेरिका ने सोचा? अमेरिका, लादेन का नाम सुने हैं आप, ओसामा बिन, उसको किसने बनाया पता है आपको? ओसामा बिन लादेन को किसने बनाया? हिस्ट्री पढ़े हैं? ओसामा बिन लादेन को बनाया किसने जानते हैं? अमेरिका ने बनाया। क्यों बनाया? रूस को शांत करने के लिए। अफगानिस्तान में जब रूस अपनी भूमिका किसी जमाने में अदा कर रहा था तो अमेरिका ने क्या किया कि लादेन को पीछे से बैक मदद करने लगा। तो लादेन को अमेरिका ने बनाया, बनाते समय तो बड़ा अच्छा लगा होगा कि किसको शांत कर रहा है? रूस को शांत कर रहा है, मजा आ रहा है, अब समझ में आएगा। लेकिन जिसको आपने बनाया, प्रकृति का नियम है, लौट के जब आप पर हमला किया तो 10 वर्षों तक अमेरिका उस लादेन को क्या खोजते रहा। यह संसार का नियम है। आप जो सब चीज तत्काल कर रहे हो, और हो सकता है कि तत्काल आपके क्रिया से आपको मजा मिलेगा, चाचा को सबक सिखा दिए वो सीख भी लिए होंगे। लेकिन प्रकृति जो है अपने भीतर गए हुए किसी भी बीज को बेकार नहीं जाने देता है, समय के साथ उसको उत्पन्न कर देता है। और तब तक आप जब उत्पन्न होता है तब व्यक्ति छाती पीटता है कि मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है। इसलिए भैया, भारत का जो अध्यात्म था वो बड़ा ही साइंटिफिक था और यहां के लोग इसको समझते थे। लेकिन जब हमने उसको समझना छोड़ दिया, कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं, तो जीवन में देख लीजिए आपाधापी आ गया। आज भारत के युवाओं को सबसे ज्यादा समझने की आवश्यकता है अपने मूल अध्यात्म को। और अध्यात्म को समझ ले तो हम समझते हैं जीवन की गाड़ी चलाना आपके लिए आसान हो जाएगा। जीवन है तो समस्या है, समस्या को सुलझाने की कला। समस्या तो आएगा भाई, हर के जीवन में आता है, पार्ट ऑफ लाइफ है ये। लेकिन उसको कैसे हैंडल करें? क्या कारण है कि इस युवा मंडल से लड़के जो जुड़ते हैं, गहराई से जुड़ते हैं, उनके जीवन में भी समस्या आता है, और जो नहीं जुड़ते हैं उनके जीवन में भी समस्या आता है।
लेकिन जो जुड़े हुए रहते हैं उनके जीवन में समस्या आता है तो मन को हैंडल करना उन्होंने सीख लिया है तो शांति से उसको समय काट लेते हैं। और दूसरा क्या करता है, दूसरा कहता है इसके कारण हमारा समस्या हुआ है। वो अपने ऊपर कभी कारण नहीं लेता है। एक बात समझ लीजिए, इस संसार में किसी की हिमाकत नहीं है कि आपके जीवन में समस्या खड़ा कर सकता है, किसी की हिम्मत नहीं है। अगर सामने आपको दिखता है कि वो कर रहा है मेरे लिए समस्या खड़ा, ये आपका बोया हुआ है, वो आपको काटना पड़ेगा। तो सब हमने तो उसे कुछ नहीं किया, हाँ उसे आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन किसी ने किसी को कुछ कभी ना कभी किया है, रिटर्न उसके माध्यम से प्रकृति आपको दिलवा रहा है। इस विज्ञान को समझ लीजिए, फायदे में रहेंगे, शांति में रहेंगे, बो और काटो। भगवान से सभी लोग चाहते हैं कुछ मिले फायदा, चाहना कोई खराब बात है क्या? नहीं। लेकिन भगवान भी देखता है, अच्छा तुम हमसे मांग रहे हो, तुम किसी को कभी कुछ दिए हो कि नहीं दिए हो? अब आपने भगवान से मांगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन साहब आपने कभी किसी को कुछ दिया है कि नहीं? नहीं साहब, हमने तो किसी को कुछ नहीं दिया। जो देता है वही पाने का हकदार है, जो बीज जमीन में जाता है उसी से अंकुरण निकलता है और वही पौधा बनता है। गुरुदेव कहते हैं बेटा हमने जीवन भर बोया है और जीवन भर काटा है, बो और काटो। भगवान एक ही सिद्धांत को मानता है, और हम लोग किस सिद्धांत को मानते हैं? आपका पूजा करेंगे, आपको धुआं दिखाएंगे, साइकिल छाप अगरबत्ती जलाएंगे, सुगंधित गुलाब वाला लड़ुआ चढ़ाएंगे, कपड़ा चढ़ाएंगे, कसैली पान खिलाएंगे आपको। पंडित जी लिखाते हैं ना, पान कसैली जर्दा छोड़ देते हैं। तो माँ कहने का मतलब है कि सब खिलाएंगे, लेकिन भगवान जो लेना चाहता है वो हम नहीं देना चाहते, क्योंकि हम तेज आदमी हैं। हम सोचते क्या है, गुरुजी कहते थे बेटा हमने भगवान को कैसा बना दिया है। गुरुदेव कई बार उनका गुरुवर की धरोहर को पढ़ेंगे ना, तो उसमें गुरुदेव ने बड़ी बातें कही। उनका बेटा जैसे हम हैं वैसे ही हमने अपना भगवान बना लिया है। हम सोचते हैं हम ठग हैं, मौका मिलता है तो भगवान भी ठग हैं। हम चापलूसी सुन के खुश होते हैं तो भगवान भी चापलूसी सुनता होगा। को नहीं जानत है जग में कपि संक, आहा क्या टीटीएम, बिहार में एक भाषा है टीटी, ताबर तोर तेल मालिश, किसका? भगवान का। हनुमान जी, शंकर भगवान, आपके लिए हम महामृत्युंजय मंत्र करेंगे। पंडित जी बोले थे पार्थिव बना के खूब पानी से ठंडा में नहवाएंगे आपको, मेरा काम निकाल दीजिएगा, राहु भी ठीक कर दीजिएगा, और चंद्रमा हमारे मन को चंचल करता है, हमारे गर्लफ्रेंड हमको परेशान करती है, उसको भी शांत रखिएगा। मैंने टोटल के टोटल सिस्टम को हमने डैमेज कर दिया है, और भगवान को हमने सुपर डिग्री का चापलूस, क्या कर रहे हैं साहब, क्या कहां पहुंचा दिया आपने, न तो जीवन में कोई परिवर्तन आता है। किसी के जीवन में अगर अध्यात्म से जुड़ने के बाद कोई परिवर्तन नहीं आता है तो मुझे लगता है कि यह अध्यात्म से ही नहीं हो सकता। यह चीज है, ऐसा अध्यात्म चाहिए जो साहब अलग से चमकता हुआ सितारा। रोड पर आप चले, छोटा सा डंडा लेके भी चलें, लाठी पकड़ के भी चलें, बूढ़े हो जाएं तब भी चलें, तो लोग कहे देखो एक मसीहा जा रहा है। अभी क्या कहता है, अरे वो लफोवा के देख ली रे, फलनमा के बेटा है रे, बाप के पैसा पर होंडा चलवा है, गुर 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 गुर। और इस बंडमरू युवा के बल पर भारत जगत गुरु बनेगा, ऐसा प्रधानमंत्री कहते हैं। माफ करना, मैं प्रधानमंत्री पर कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहता,
लेकिन युवा बनेगा कैसे, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। रोड बने, पुल बने, पुलिया बने, लेकिन उस पुल रोड पर मोटरसाइकिल कौन चलाएगा, लहरिया सब। इसका निर्माण होना चाहिए और यह आंदोलन उसके लिए है। ये जो आंदोलन है, जहां आप बैठे हो, इस आंदोलन का यह नाम है, युवा को जगाना पड़ेगा, उसको जागृत करना पड़ेगा, उसको उसके भीतर की सोई हुई शक्ति को जगानी पड़ेगी। यह विचार क्रांति अभियान वो है। और जब व्यक्ति के अंदर वाला जगता है तो 25 साल को कौन कहे। अभी ठीक कह रहे थे निशांत रंजन, हम लोगों के मन में तो कभी ये कल्पना भी नहीं था, सोचते भी नहीं थे। आज तो लड़का स्मार्ट हो गया है, आप लोग स्मार्ट हो गए हो। हम लोग कभी ये सोचते तक नहीं थे कि इसका परिणाम क्या होगा, कब तक होगा, कुछ परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। आज ये 25 साल की दूरी जब पीछे पलट के देखते हैं तो लगता है कैसे हुआ, किसने किया। एक गति, कभी गति में बढ़ोतरी हुआ, कमी नहीं हुआ, न थके न हारे। आप लोग तो शादी विवाह में मजा लेने के लिए चले भी जाते हो, हाय भैया हम नाचे का भैया नाचो, तू तो नचनिया है ये नाच नाच मेरी बुलबुल की नाच। आपको मैं इस मन से कह रहा हूं, मुझे कभी याद नहीं है, घर पर भी होते थे तो ये बेचैनी होता था कि संडे है परसों। घर वाला कहता था कि अरे भैया मंडे को जाना ना। नहीं भाई, मैं तो सैटरडे को ही जाऊंगा क्योंकि कल मेरा संडे है। जबकि 10-12 लोग बैठते थे, 12 आदमी बैठते थे, लेकिन उस 12 आदमी में भी संडे के आने के लिए बेचैनी होता था। नाता रिश्ता सगा संबंध सब छूट गया, रिश्ता हकारी नाचना गाना, बारात का खाना, बारात का मजा, बारात का पोंपो। ऐसे ही 25 साल नहीं होता। गुरु किसी को फोकट में नहीं देता, उसके यहां फोकट का माल नहीं है, फोकट में नहीं देता। किसको मन नहीं करता कि चाट खाऊं, पकौड़ी खाऊं, कचौड़ी खाऊं, सबको करता भाई, मेरे को भी करता। मैंने बड़ी मार मारा अपने को, डंडा से पीटा अपने आप को, पीटने का नाम अध्यात्म है। मैं इस मन से कह रहा हूं भगवान की साक्षी में, मैं चाट का बड़ा शौकीन आदमी था। जब भी मार्केट में निकले तो गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद की बात कहता, मन तो मन था, हम भी तो वही थे आप जो थे, मार डंडा मार डंडा। नहीं नहीं खाने देंगे, नहीं नहीं साहब, ऐसे थोड़े होता है। सब चीज कर रहे हैं भैया, बराती में गए थे वो ठुमड़ी आया था, हम नहीं बुलाए थे लेकिन मुस्किया रहे थे देख के, भीतर से आक्रोश नहीं पैदा हुआ था। हम गुरुजी के भगत हैं, तोरी भगत के लाठी मारो चोरवा, तोरी भगत के लाठी मारो चोरवा। हम बहुत किए हैं भैया, चोरू चक्का लफुआ कहा, आप लोग नहीं, आप लोग तो शरीफ लोग, किसको बेवकूफ बनाते हो। हमसे कोई क्यों नहीं नचवा लिया अपने शादी में, नचा के दिखा देता। कट्टर थे कट्टर, जैसे सुनते हैं ना कट्टर, नचवा लेगा कैसे, नचवा लेगा, नचवा के दिखावे। हमरो शादी हुआ था भाई, हैं हमरा शादी में सब कहा कि लाइट बत्ती रहेगा, हम कहे कि उतरेंगे डंडवा लेबो, एक तरफ से सब लाइट को फोड़ देंगे। आपके अंदर है ही नहीं, आप तो बनउआ गायत्री परिवार है। भैया हम 7 साल से गायत्री परिवार से है, 7 साल और रह,
गुरु देने में कोताही नहीं करता, लेकिन कठोरता से गुजारता है भाई। गुरु देने में कोताही जब देता है तो आदमी को निहाल कर देता है, निहाल कर देता है, वो देने में कमी नहीं करता। उसके पास दुनिया के सारे चीज जो आपको चाहिए, भौतिक सुख साधन वो सब है, लेकिन कब देता है जानते हैं? जब आपके लेने की इच्छा खत्म हो जाए तब देता है। जब तक आपकी इच्छा रहती है तब तक नहीं। हमको लड़की मिल जाती है, सबके मन बड़ी सुन्नर है, फिर दूसरी आई ये तो ओकरों से ज्यादा सुन्नर है। आपका मन टिकता नहीं है, आपका मन स्थिर भी नहीं है। युवा किसको न जाने, कभी कभी सुनते हैं इस देश में कोई भगत सिंह आए थे, युवा थे, विश्वास नहीं होता, डाउट होता है जो सही में यहां ऐसा पैदावार होता था क्या, यहां ऐसी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट युवा निकलता था। हमको कभी कभी कोई कहानी सुनते हैं या पढ़ते हैं भगत सिंह, खुदीराम, सुभाष चंद्र बोस, तो डाउट होता है कि ये प्रोडक्शन गायब हो गया, अब तो खाद मिला हुआ सामान सब निकल रहा है, डिब्बा का दूध पी के बड़ा हुए हैं भैया, सेरोलैक पी खूब पी पिए जा, माफ करना आप तो अच्छे लोग हो, रेलवे है भैया 27,000 मिलतो स्टार्टिंग सैलरी हो, लेके सुखी रह ले तो ना। रात की बात में कह रहा मैं हमेशा, कल रात की घटना में कह रहा, मुझे एक जगह से फोन आया रात में, भैया रेलवे में है बेंगलोर में। अच्छा है, 10 साल हो गया भैया मन नहीं लग रहा, मुगल सराय आना चाहते हैं, अखिलेश भैया आते हैं कि नहीं आते हैं, पैरवी करा के मंगवा दीजिए। अरे भकुआ ये सब कितना यहां बैठा है बेंगलोर जाने के लिए हैं, ये सब कितना बैठा है कि कब मौका मिले जो हम बेंगलोर चल जाए, आ तू है कि हम कब आ जाए, समझ में नहीं आता। इसलिए भैया जिंदगी का रस और जिंदगी का आनंद पूरे जीवन लेना चाहते हो तो दुनिया की ओर जब देखोगे, और दुनिया से संबंध कई बार आपको आश्चर्यचकित कर देंगे, लेकिन जब उससे आपका संबंध सच्चा रहेगा तो दुनिया के संबंध कभी आपको आश्चर्यचकित नहीं करेंगे और आप हमेशा आनंद का अनुभूति करोगे और जीवन के सारे भौतिक साधन आपको मिलेंगे। हमारे पिताजी कभी हवाई जहाज पर नहीं चढ़े, निशांत रंजन जो अपने पिताजी को पटना से कलकत्ता हवाई जहाज से घुमा दिया, वो श्रवण कुमार है इस मामले में, हम थोड़ा कमजोर हैं इस मामले में, लेकिन साहब हम गुरुजी हवाई जहाज से ऐसे घुमाए कि अब हवाई जहाज ऐसे लगता है कि उसमें मजे नहीं आता है। मैंने कई बार कहा यार ट्रेन ही ठीक है, आराम से आदमी बतियाते उतियाते जाता है, हवाई जहाज से तो यूं बैठो यूं उतर जाओ, इसमें कोई मजा नहीं है। आ ट्रेन में है मुकुंदाना खाओ, चिनिया बादाम खाओ, स्टेशन पर घूमो, मजा है उसका, जिंदगी का आनंद है। साहब देखो गुरु सब देता है, सब कुछ देता है, हमने अपने जीवन में अनुभव किया, हमारे इतने अच्छे अच्छे लोग हमको मिले हैं कि आज बहुत लोगों को नहीं मिलेंगे, इतने प्यारे प्यारे लोग मिले, ये मिलता क्या किसी को मिलता है? भगवान सब कुछ देता है, आनंद देता है, मस्ती देता है। ये 25 साल में भगवान ने बहुत कुछ दिया, बहुत संघर्ष भी कराया। वहां मैं एक बात कह रहा हूं, इनके झोली में कोई कमी नहीं, लेकिन फ्री में नहीं दे तो नहीं देंगे भैया ना। गुरु चालीसा पढ़ेंगे तब,
एक तुम ही आधार सदगुरु, झूठा रे सुपरलेटिव डिग्री के झूठा। यहाँ कहता है एक तुम ही आधार सदगुरु, उधर कहता है ससुराल मेरा सबसे बड़ा गुरु। नस नस में तेरी चालाकी चाहिए। फाइनल रिजल्ट वाला है भैया, तीरंदाजी। किसको बेवकूफ बना रहे हो? उसको, वो सब तुम्हारे रग रग से वाकिफ है। वो नहीं बनता, हमसे भी नहीं बना। हम भी कई बार तो शुरुआत में जब 3-4 साल मेरा बीत गया गायत्री परिवार में, कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा था, ना आगे कुछ दिख रहा था ना पीछे, चूंकि हम तो मनुष्य हैं, तो लगा हम कहीं फंस गए। हम भावना में बह रहे, क्या जाने शादियों ब्याह होगा कि नहीं होगा। उसी में यहाँ पर एगो जूता चप्पल स्टैंड संभालते थे पुराने आदमी, बैद्यनाथ कंपनी में काम करते थे, बड़ा ज्ञानी आदमी था वो। हमको एक दिन, और 2001 जब बीता, हमको अपने डाउट हो रहा था कि लगता है कोई लड़की वाला हमको लड़की क्यों देगा, क्या करते हो? तो लड़का सबको गायत्री सिखाते हैं, कोई देते ही लड़की इस नाम पर। अगर आप किसी लड़की वाले को जाके कह दो कि भाई लड़का क्या करता है, तो लड़का लड़का सबके गायत्री मंत्र के ध्यान सिखावा है, तो कुछ मिला है ना? मिला तो कुछ ना है, सब मुस्किया के निकल जाए सीढ़ी से उतर के। चाय पी लें, आज गरम चाय हलो। तो आप ये सोच लो, और 2001 की घटना निशांत जी ध्यान से सुन लीजिए। आप लोग तो बड़े आराम से आ गए मंचुंच तक। तो हमको क्या कहता है वो जो जूता चप्पल, आज याद आ रहा है तो सुना दे रहे। आपको एक बात कहें, हम उसका बात बड़ा प्यार से सुनते थे, क्योंकि दीक्षा लेने के लिए वही हमको प्रेरित किया था पहली बार। आप शादी मत कीजिए। अब मेरा कलेजा धक धक करने लगा, या जी गायत्री माता के गेट पर ही हमको ऐसा बात क्यों कहा? इस सही में कुमारे रखेगा कारे भाई, घर वाला तो ऐसे ही कह रहा है कि गया काम से, ऊपर से ही गायत्री माता के गेट पर हमको ऐसा बात आज कह दिया। मन तो भीतर से बहुत गुस्साया, लेकिन कहे जी जी ठीक ठीक, गुरुजी जो चाहेंगे वही होगा। तो देखो भाई, बड़ा परीक्षा होता है। सब मजा भी लेते रहे और गुरु की शक्ति भी मिलती रही, ये नहीं होता है। और भौतिक उन्नति तो भाई बिहार में बड़े बड़े क्रिमिनल्स का भी हुआ है। एक भी बिहार में क्रिमिनल्स जो अभी चुनाव कई लोग जीत गए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बड़े आत्मा हैं वो भाई। अगर आप कहोगे भौतिक उपलब्धि, तो मैं तो समझता हूं कि उनके सामने वो कौन भगवान का पूजा किया जो खरबों खरब का मालिक है। आप तो गायत्री जप रहे हो, साईं बाबा का को गुलाब, इसलिए भाई समझ लो आप बात को। भगवान की जो देने की सिस्टम है वो थोड़ा सा दूसरा है, और भगवान देता है तो फिर मजा देता है, बहुत कुछ देता है वो आपको। मैं इस मंदिर में इस मन से जो भी बात कहता हूं, चूंकि दीपक जलते रहता है, आप बताओ, लोग कहते हैं नेता बनने की बात। हमारे पास कई लोगों का पैर भी आया कि मुझे विधायक का टिकट दिलवा दीजिए, और ऐसे ऐसे लोग का आया कि एक व्यक्ति ने तो मेरा जबरदस्ती प्लेन में रिजर्वेशन करा के मुझे ले गया, इसको भी ले गया कि नहीं चलना पड़ेगा आपको। अब बताओ साहब, जो आज तक मुखिया का चुनाव नहीं जानता है, उसके लिए भगवान क्या खेल खिला रहे कि लेके हमसे कहवा ही दिया लास्ट में ले जाके। हम नहीं कहना चाह रहे थे, लेकिन हमसे कहवाया और उसको टिकट मिला भी, ये भी मैं बता दे रहा हूं, हालांकि वो चुनाव हार गया। ये मिल जाता है। तो मैं ये बात कह रहा कि भगवान बड़ी लीला कराता है, बड़ी लीला कराता है। अभी कल दिल्ली से एक व्यक्ति हमको फोन कर रहा है, भैया दिल्ली में है 5 आदमी का कमेटी जो है ना राष्ट्रीय वाला, उसमें हमारा नाम चला गया है, लेकिन 3 गो का होना है, तनी आप कहवा देते ना। अब बताओ, सब पार्टी के ठेकेदार हम ही हैं,
तो हम भगवान कभी कभी गुरुदेव पर सोचते हैं, गुरु जी आपने बहुत सही जगह हमें बैठाया है। इसलिए समझिए, भगवान गुरुदेव कहते थे बेटा हम तुमको बांटने वाला बनाना चाहते हैं, और हम लोग क्या कहते हैं, हम लेने वाला बनना चाहते हैं। गुरु जी कहते थे बांटने वाला,